जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको चुआदी से दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि एक घर जो इस समय एक प्लॉट खाली पड़ा था, ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी प्लॉट के अंदर कई दिनों से जो है पशु तस्करी जो थी वो की जा रही थी। यानी कि एक प्लॉट की आड़ में जो है बड़ी स्मगलिंग जो थी वो की जा रही थी। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है उसी समय जो है सैनिक कॉलोनी अंतर्गत पड़ता थाना जो है उसके प्रभारी वहां पहुंचते हैं और SHO के जुरिडिक्शन के अंदर जो है एक बड़ा एक प्लान किया जाता है जिसको एग्जीक्यूशन की जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक ट्रक यहां पर पकड़ा गया है और इसके अलावा तीन ट्रक और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए पहले पुलिस की टीम यहां पहुंची, दीवारें फांद कर अंदर गई और अब देखिए ये ट्रक है और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जो है ऊपर उन्होंने ऐसी स्पेस दे रखी हुई थी कि अंदर जो थी वो हमारी गाय माता जो है उसकी तस्करी कई दिनों से ये लोग कर रहे थे। ये जो प्लाट आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, ये बताया जा रहा है कि एक शख्स है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टीचर है, अभी नाम कन्फर्म नहीं पता हमें, लेकिन ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही ट्रक थे, इन्हीं ट्रक के अंदर कई दिनों से स्मगलिंग जो थी वो की जा रही थी। अब मैं आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें जो है आपको बिल्कुल थाने के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए ट्रक का नंबर HR63C1224, दूसरा MHR ट्रक का नंबर, दोनों हरियाणा नंबर ट्रक है। ये देखिए एक लॉजिस्टिक्स का ट्रक है जिसमें सामान जो है लोड अनलोड किया जाता है, वही तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसी के अंदर जो है हमारी गाय माता जो है उन्हें जो था उनकी स्मगलिंग जो थी वो की जा रही है। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरीके से एक बड़ा रैकेट जो है, एक बड़ा नेक्सस जो है उसका भंडाफोड़ जो है जम्मू पुलिस ने किया। SSP चंदन कोहली को मुबारकबाद देते हैं। इसी तरीके से ऐसे स्मगलर्स जो पशु तस्करी कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं उनका भंडाफोड़ किया जाए। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से प्रॉपर वेंटिलेशन भी ऊपर दे रखी हुई थी। ये देखिए ऊपर वेंटिलेशन रखी गई ताकि किसी प्रकार की कोई भी इन्हें दिक्कत ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कितनी तादाद में हमारी गाय माता जो है इस ट्रक के अंदर लोड कर रखी हुई थी। ये तस्वीरें मैं आपको इस समय जो है वो बिल्कुल सैनिक कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बाहर की दिखा रहा हूं। ये देखिए ये ट्रक है, अंदर हम चढ़े और आपको ये विजुअल्स दिखाए। पुलिस ने बकायदा कंटेनर को खोला और हमारे तक तस्वीरें जो थी पहुंचाने का प्रयास किया। तस्वीरें देखिए, अपनी राय दीजिए, जम्मू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखकर जम्मू पुलिस की सराहना जरूर करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी जम्मू पुलिस ने एक बड़ा नेक्सस जो है स्मगलिंग का उसका भंडाफोड़ किया है। भवानी जी की बात करूं, उन्हीं की तादाद में जो है पूरा एक ऑपरेशन जो था उसे लॉन्च किया गया, जिसके बाद इन बेजवानों को जो है आज उन चंगुल से छुड़ाया गया। आज पता नहीं ये बेजवान कहां जो थे, उन्हें बेचना था, इनकी फिरौत की जानी थी, उसके बाद इनकी जान बचनी भी थी नहीं थी ये भी कहना जो है नामुमकिन। लेकिन जम्मू पुलिस जो है उसने बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ा नेक्सस जो है उसका भंडाफोड़ किया है। तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि सारे मवेशियों को वहां से लाया गया है। फिलहाल ये सैनिक कॉलोनी पुलिस पोस्ट के बाहर ये चारों गाड़ियां जो है रखी गई है। पुलिस ने फिलहाल इस हवाले से तफसीलात जो है कोई शेयर नहीं की है, किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चार गाड़ियां जो है जिनके नंबरात भी आपने अपने स्क्रीन पर देखे होंगे, ये चारों गाड़ियां जो है चार गाड़ी